जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी कॉमर्स। और जैसा कि प्रॉमिस्ड है, द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर, इसका हम करने जा रहे हैं एक्ट वन सीन टू। याद रखिएगा, ये एक लॉन्गेस्ट सीन है पूरे प्ले में और हम इसे दो पार्ट में करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट वन। तो इस पार्ट में, हाँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी सीन है और इस पार्ट में एक फ्लैशबैक की कहानी है कि कैसे प्रॉस्पेरो और मिरिंडा कैसे इस आइलैंड में पहुंचे, इसकी कहानी है जो प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरिंडा को बताने वाला है। और सेकंड पार्ट में क्या है इसी एक्ट में, इस एक्ट में है इंट्रोडक्शन ऑफ एरियल एंड कैलिवन। हम लोग, यस, जो पब्लिक है वो जान पाती है एरियल के बारे में, जो कि एक एरी स्प्रिट है, और कैलिवन के बारे में, जो कि साइकोरेक्स का बेटा है ना, जो कि एक्चुअली हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल है। और लास्ट थर्ड पार्ट में है फर्डिनेंड और मिरिंडा का मीट। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आप फ्लैशबैक पढ़ेंगे, फ्लैशबैक कि किस तरीके से एरियल और कैलिबन मिले प्रॉस्पेरो को और किस तरह से प्रॉस्पेरो पहुंचा इस आइलैंड में। आइए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ टेम्पेस्ट। तो ये आइलैंड है जिस आइलैंड में सिर्फ दो ह्यूमन बीइंग हैं, प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी मिरिंडा। तो आइलैंड में प्रॉस्पेरो और मिरिंडा आ गए हैं और एक बड़ा सा टेम्पेस्ट, यस, एक बड़ा सा टेम्पेस्ट देख करके मिरिंडा का दिल परेशान हो जाता है ना। इफ बाय योर आर्ट माय डियरेस्ट फादर यू हैव पुट द वाइल्ड वाटर्स इन टू दिस रोड, मतलब आपने अपने मैजिक से, आपने अपने जादू से मेरे पापा, हाँ, मेरे प्यारे पापा, आपने अगर इन पानियों में, यस, रोर पैदा कर दिया है, रोर मतलब होता है लहर पैदा कर दिया है, तो उनको शांत कर दो। अलाय देम मतलब सबसाइड देम, क्या कर दो, सबसाइड कर दो, इन तूफानों को शांत कर दो। द स्काई इट सीम्स वुड पोर डाउन द स्टिंकिंग पिच, क्योंकि आसमान भी काला हो गया है और ऐसा लग रहा है कि आसमान से पानी नहीं बल्कि महकने वाला टार, टार क्या होता जानते हैं ना, काले रंग का, यस, एक स्टिकी लिक्विड होता है। तो लगता है कि आसमान इतना काला हो गया है कि ऊपर से टार गिर रहा है। बट द सी, और वह समुद्र भी क्या कर रहा है, इतनी ऊंची ऊंची लहर मार रहा है मानो कि वो विल्किंस को चीख, ये विल्किन क्या होता है, आसमान को विल्किंस कहते हैं, ऐसा लगता है कि समुद्र भी आसमान के चीख को चूमना चाहता है जहां पर बिजली चमक रही है। लगता है कि वह उस फायर को बुझा देना चाहता है, कौन, समुद्र, क्योंकि लहरें इतनी ऊंची हैं, इतनी ऊंची हैं कि आसमान में जो बिजली कड़क रही है उसको वो बुझा देगा। ओ आई हैव सफर्ड विद दोज आई सॉ सफर, इससे करेक्टर ऑफ मिरिंडा पता चलता है। दूसरों के दर्द में मिरिंडा को भी क्या होता है, तकलीफ होती है, दर्द होती है। याद रखिएगा, मिरिंडा जब 3 साल की थी तब मिलेन से उसको निकाल दिया गया था उसके पापा के साथ। आज 12 साल बीत चुके हैं, अब मिरिंडा है 15 साल की, और याद रखिएगा तब से आज तक उसने पिता के अलावा किसी और ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा है। ठीक है, अ ब्रेव वेसल हु हैड नो डाउट सम नोबल क्रिएचर्स इन इट। तो मिरिंडा को इस शिप में, जिस शिप की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, इसको कह रही है कि ये शिप एक स्प्लेंडेड, एक शानदार ये शिप है ना, और इसमें जरूर कुछ अच्छे इंसान हैं, और इस शिप को आपने क्या कर दिया पिताजी, डुबा दिया है, ये पिस शिप क्या हो गई है, डैश हो गई है। ओ द क्राई डिड नॉक अगेंस्ट द वेरी हार्ट, उनकी हर एक चीख, जो शिप में डूबते हुए व्यक्ति हैं उनकी चीख मेरे दिल को चीर रही है। पुअर सोल्स दे पेरिश्ड, वे सारे बेचारे मारे गए, अर्थात यह सब मिरिंडा का ख्याल है कि वो शिप में सारे व्यक्ति जो हैं वो मारे गए हैं। ध्यान रखिएगा, कोई मरा नहीं है शिप के अंदर। हैड आई बीन एनी गॉड, काश
मैं कोई भगवान होती, मिरिंडा अपने लिए कह रही है, काश मैं भगवान होती, आई वुड हैव संक द सी विद इन द अर्थ, मैं क्या करती पूरे समुद्र को ही क्या करती जमीन के अंदर डाल देती अगर मेरे पास भगवान जैसी ताकत होती। और अर इट शुड द गुड शिप सो हैव स्वॉलोड द फ्रॉटिंग सोल्स विद इन हर, और अर मतलब होता है बिफोर, इससे पहले कि यह समुद्र पूरी शिप को निगल जाता, उससे पहले ही मैं इस समुद्र को धरती के अंदर समा देती, तो न रहता समुद्र न ये लोग डूबते। तो कितनी अच्छी, कितनी प्यारी है मिरिंडा, कितनी प्यारी है इसकी बातें, है ना। आइए मिरिंडा को शांत करेंगे प्रॉस्पेरो, पापा क्या समझाएंगे, बी कलेक्टेड, कूल बेबी कूल, ठीक है, घबरा मत, नो मोर अमेजमेंट, अर्थात फिक्र मत कर, अमेज मत हो, टेल योर पिटियस हार्ट देर इज नो हार्म डन, अपने इस प्यार भरे दिल को, दूसरों के लिए दया वाले दिल को बता दो कि इनमें से किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया गया है। तो इस तरीके से वो मिरिंडा को क्या कर रहा है, कूल डाउन कर रहा है। और मिरिंडा कहती है वो द डे, अर्थात कितना बुरा दिन था आज का, है ना। तब प्रॉस्पेरो फिर कहता है अरे भाई नो हार्म, किसी को भी कोई हार्म नहीं पहुंचाया गया है, आई हैव डन नथिंग बट इन द केयर ऑफ दी, अर्थात मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सिर्फ तुम्हारा ख्याल करके, तुम्हारे ध्यान को, तुमको ध्यान में रखते हुए कि तुम मेरी बेटी हो, ठीक है, इसीलिए मैंने किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है। ऑफ दी माय डियर वन, दी माय डॉटर, अर्थात सब कुछ मेरी बेटी तेरी खातिर, हु आर्ट इग्नोरेंट ऑफ व्हाट दाउ आर्ट, इंपॉर्टेंट पैसेज, वो याद दिला रहा है अब अपनी बेटी को फ्लैशबैक में कि तुम नहीं जानती हो बेटा, तुम इग्नोरेंट हो कि तुम कौन हो, है ना। नॉट नथिंग, नॉट मतलब होता है कुछ नहीं जानती हो, वेंस आई एम, अर्थात मैं कहां से यहां आया, नॉर दैट आई एम मोर बेटर देन प्रॉस्पेरो, बस तुम मेरे बारे में इतना ही जानती हो बस कि मैं एक प्रॉस्पेरो हूं, तुम्हारा पिता हूं, और इस छोटी सी सेल का, इस छोटे से कमरे का एक मास्टर हूं, अर्थात एक हम्बल सी, ये सेल एक छोटी सी प्लेस होती है, ठीक, एक कमरे की कुटिया होती है ना, या कोटरी, बस अक्सर सेल वैसे प्रिजनर को भी मिलती है ना, प्रिजन सेल, तो वैसे ही है समझ लो, एक कमरे का जो मकान होता है, तो इस छोटे से सेल को तुम का मास्टर मुझे जानती हो, एंड दाई नो ग्रेटर फादर, और मेरे बारे में कोई महान चीज़, कोई नोबल चीज़ तुम्हें नहीं पता है। तो मिरिंडा कहती भी है बहुत अच्छे से, कितनी सॉफ्ट है इसे पता चलता है मिरिंडा को, कितनी हम्बल है मिरिंडा ये पता चलता है इस लाइन से, मोर टू नो, अर्थात इससे ज़्यादा मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, कभी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि आप कौन हो, ठीक है। तो अब वो बताना शुरू करेगा बेटी को, बोलता है प्रॉस्पेरो कि अब समय आ गया है, क्या समय आ गया है कि तुम्हें इन्फॉर्म करूं और इसके आगे की कहानी, लेंड द हैंड, क्या करो अपना हाथ मुझे दो और ये मेरे मैजिक गारमेंट उतार दो। याद होगा मैंने कहा जब भी वो जादू कोई काम करता है तो एक रोप पहन लेता है, एक बड़ा सा चोंगा टाइप का पहन लेता है, थोड़ा सा लटकने वाला होता है, उसको पहन लेता है और हाथ में एक मैजिक वैंड ले लेता है, है ना, इमेज में भी आप देख सकते हैं, देखा आपने। तो अब वो कहता है कि इसको उतार दो मेरे मैजिक गारमेंट को, और क्या कहता है, सो ले डाउन हिज रोब, अपना वो रोब उतार करके अब क्या बोलेगा, लाइट देयर माय आर्ट, बोला वो है सारा मेरा मैजिक, अर्थात सारा मैजिक मेरा किस में है, इस रोब में है, इस मैजिक वाले कपड़े में है। वाइप डाइन ईयर्स, अपने आंसू पोछ लो, हैव कंफर्ट द डायरफुल स्पेक्टिकल ऑफ द रैक, जो डरावना मंजर तुमने देखा शिप के डूबने का, जिसने तुम्हारे दिल को छू लिया है, द वेरी कंपैशन जो तुम्हारे अंदर की दया है उसको जगा दिया है, आई हैव विद सच प्रोविजन, अर्थात मैंने अपने मैजिक से ऐसा प्रोविजन कर रखा था कि ये सब सेफ होंगे, अर्थात कोई भी सोल तकलीफ में नहीं होगा, किसी भी इंसान को जरा से भी तकलीफ नहीं होगी, नॉट सो मच परडिक्शन एज एन हेयर, मतलब इतना भी तकलीफ नहीं होगी कि उनका बाल भी, परडिक्शन मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, इतना भी तबाही नहीं होगी कि उनका एक बाल भी, यस कहते हैं ना, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। तो
मेरे जादू से किसी का एक क्या होगा, एक हेयर जितना भी लॉस किसी क्रिएचर का नहीं होगा। जो तुमने उनकी क्राय सुनी, चीख सुनी, और जो तुमने उनको डूबते हुए देखा, तो भी इन सब के बावजूद उनका एक बाल भी बाका नहीं होगा। तो इसीलिए बैठ जाओ मेरी बेटी, फॉर दाउ मस्ट नो नो फर्दर नाउ फर्दर। तो अब समय आ गया है तुम्हें और आगे की बातें पता होने का। अर्थात वो अपनी बेटी को क्या करना चाहता है, टेम्पेस्ट लाने का कारण बताना चाहता है, ताकि बेटी अपने पिता को गुनाहगार न समझे, कभी उसके बारे में गलत न सोचे, ठीक है ना। तो अब वो बताएगा कैसे और कहाँ तक वो बात पहुँची। मिरांडा, यू हैव ऑफन बिगन टू टेल मी वॉट आई एम, अर्थात पापा आपने मुझे कई बार बताने की कोशिश की, बट स्टॉप्ड, पर आप पूरी कहानी नहीं बताए, एंड लेफ्ट मी टू अ बूटलेस इंक्विजन, अर्थात मुझे आधे में ही रोक करके मेरे को क्या बना दिया, फ्यूटाइल क्वेश्चनिंग, अर्थात मेरा क्वेश्चन अधूरा ही रह गया, मैं आपसे क्वेश्चन भी नहीं कर पाई। कंक्लूडिंग स्टे नॉट येट, और तब पापा आप क्या बोलते थे जब मेरा कोई क्वेश्चन होता था, कहते थे अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है। तो आज वो समय आ गया है। तो प्रोस्पेरो कहेगा द आवर हैज कम, तो वो समय आ गया है। द वेरी मिनट बिड्स दी ओप दाइन ईयर, अपने कान खोल लो, ओबे बी अटेंटिव, अर्थात पूरी बात ध्यान से सुनना। कांट्स दाउ रिमेंबर, वह फिर चेक करना चाहता है कि उसकी बिटिया को जब वह 3 बरस की थी, अर्थात जब वो 3 साल की थी, तब की कोई बात उसे याद है। तो कांस दाय रिमेंबर अ टाइम बिफोर वी केम अप टू दिस सेल, इस सेल में आने से पहले, इस आइलैंड में, इस सेल में आने से पहले क्या तुम्हें कोई बात याद है। आई डू नॉट थिंक दाउ कांस्ट, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें याद नहीं होगा। फॉर देन दाउ वास्ट नॉट आउट 3 ईयर ओल्ड, अर्थात तुम उस समय 3 साल से बड़ी उम्र की नहीं थी। तो उसे उम्मीद है कि मिरिंडा को कुछ तो शायद याद होगा। मिरिंडा साफ साफ मना कर देती है, सर्टनली आई कैन, मतलब मुझे याद तो है, याद है, मना ये करती है कि मुझे पूरा याद नहीं है, सर्टनली आई कैन। तो प्रोस्पेरो बोलेगा क्या याद है तुम्हें, ठीक है, बाय एनी अदर हाउस, क्या तुम्हें कोई घर याद है, कोई व्यक्ति तुम्हें याद है बचपन का, और एनीथिंग, किसी तस्वीर को तुमको याद है, कोई इमेज याद है, टेल मी दैट हैड केप्ट दाय रिमेम्बरेंस, अर्थात जो तुम्हारे दिमाग में व्यक्ति या वस्तु या कोई इमेज तुम्हारे दिमाग में बैठी तो नहीं गई है बचपन की। तब ब्रिंडा कहेगी इट इज़ फार ऑफ, इट इज़ फार ऑफ मतलब बहुत क्लियर नहीं है, रादर लाइक अ ड्रीम, वो व्यक्ति, वो घर, वो इमेज मेरे दिमाग में एक ड्रीम की तरह है, बहुत पक्के से नहीं है, क्योंकि 3 बरस के बच्चे को बहुत कुछ याद नहीं रहता है कि नहीं, इतने छोटे बच्चे को। देन एन अश्योरेंस, अर्थात मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती हूँ दैट माई रिमेम्बरेंस वॉरेंट्स, अर्थात मैं श्योरिटी के साथ, वॉरेंट के साथ ये नहीं कह सकती कि मुझे क्या क्या याद है। हैड आई नॉट 4 or 5 वुमेन वंस दैट टेंडेड मी, क्या 4-5 औरतें मेरा देखभाल करती थी, मुझे टेंड करती थी, अर्थात मेरा वेट करती थी, मेरे टेक केयर करती थी। तो प्रोस्पेरो जवाब देगा हाँ हाँ थे, दाउ हैस्ट एंड मोर, और 4-5 नहीं और ज्यादा तुम्हारे पास थी वुमेन्स तुम्हें अटेंड करने के लिए मिरिंडा, बट हाउ इज इट दैट दिस लिव, अर्थात यह बात ही तुम्हारे दिमाग में क्यों बैठी रह गई, क्या बात कि 4-5 औरतें तुम्हारा देखभाल करती थी। वॉट सीएस्ट Thou else in the dark backward an abysm of time, अर्थात जो पीछे गया समय, backward मतलब जो पीछे गया समय है उसमें, yes उसमें की कोई और बात तुम्हें याद है। मैंने बताया ना मिरिंडा को बहुत कुछ याद नहीं है, और बोलेगा क्या प्रोस्पेरो, if thou remember aught or or thou camest here, क्या तुम्हें याद है कुछ और, कुछ एनीथिंग याद है, कैसे हम यहां पहुंचे, हाउ दाउ केमेस्ट हेयर, कैसे तुम और मैं यहां पहुंचे। मिरिंडा को नहीं याद है, याद रखिएगा मिरिंडा सब भूल चुकी है, ऑब्वियस बात है वो बहुत छोटी थी उस समय, सिर्फ 3 बरस की थी, 3 साल के बच्चों को तो बहुत यस पता भी नहीं होता है दुख सुख क्या हो रहा है, ठीक है, बट दैट आई डू नॉट, बस मिरिंडा को इतना ही पता था कि 4-5 दासियां
चार पांच नौकरानियां उसकी सेवा करती थी। प्रोस्पेरो बताएगा यह घटना है 12 साल पहले की मिरिंडा, जब 12 साल पहले मैं तुम्हारा पिता उस समय था ड्यूक ऑफ मिलैन, ड्यूक मतलब होता है रूलर ऑफ मिलैन, रूलर मतलब राजा, और एंड अ प्रिंस ऑफ पावर, मैं एक पावर का अर्थात अथॉरिटी का व्यक्ति था। मिरिंडा अब आश्चर्य करेगी, सर आर यू नॉट माई फादर, क्या आप मेरे फादर नहीं हैं? तो कहेगा नहीं नहीं, thy mother was a piece of virtue, तुम्हारी माँ भी एक बहुत ही अच्छे नोबल नेचर की, वर्च्यू मतलब होता है क्वालिटीज से भरी हुई, तुम्हारी माँ एक मॉडल थी अच्छाइयों का, गुड थी, कहते हैं ना क्वालिटीज, एंड शी सेड thou was my daughter and thy father was a duke of Milan, तो तुम उनकी बेटी हो, तुम एक ऐसी वुमेन की बेटी हो जो कि खुद अपने आप में पीस ऑफ वर्च्यू है, और तुम्हारा पिता मैं ड्यूक ऑफ मिलैन, ठीक है, मैं उस समय था ड्यूक ऑफ मिलैन एंड हिज ओनली हायर, तुम मेरी इकलौती वारिस हो, मेरी प्रिंसेस हो, एंड नो मोर इशूड, नो वर्स इशूड, इसका मतलब होता है कि नो लेस नोबल बर्थ, तो तुम एक नोबल बर्थ की, राजा की बच्ची तो नोबल बर्थ हो ही गई है ना, अर्थात तुम नोबल बर्थ की बच्ची हो एंड दैट ऑफ द प्रिंसेस का बर्थ है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम एक राजकुमारी थी उस समय। ओ द हेवंस, अब मिरिंडा कहेगी कि हे भगवान व्हाट फाउल प्ले हैड वी, अर्थात क्या बुरा हमारे साथ हुआ, दैट वी केम फ्रॉम देंस, कि हम उस महल से यहां आ गए, और ब्लेस्ड वॉस्ट वी डिड, और यहां तो मिरिंडा कह रही है ये एक तरह की ब्लेसिंग्स तो है, आपका मेरे साथ यहां पहुंचना बुरा नहीं हुआ बल्कि ब्लेसिंग्स है। तो प्रोस्पेरो कहेगा हाँ बोथ बोथ माय गर्ल, दोनों ही को क्यों कह रहा है, ब्लेसिंग्स भी है और बुरा भी है, हाँ कैसे है एक एक करके प्रूव करेगा, पहले बताएगा बुरा क्यों है, उनका यहाँ आना बुरा क्यों है, क्योंकि इनके साथ फाउल किया गया, फाउल मतलब चीट किया गया, एज दाओ से वर हीव्ड हैंड्स, हीव्ड मतलब होता है थ्रोन, उनको यहाँ पर धकेल के निकाल दिया गया, और ब्लेस्ड, ब्लेस्ड इसलिए है क्योंकि देवर हेल्प्ड टू रीच हेयर, आपको याद होगा यहाँ पर जो हीव्ड है थ्रोन अवे है उसमें अलोंजो थ्रो करने में है, एंटोनियो थ्रो करने में है, सिबेस्टियन थ्रो करने में है, और हेल्प्ड करने में एक ही व्यक्ति है गोंजेलो। तो मिरिंडा बोलती है ओ माय हार्ट ब्लीड्स, मेरा दिल तकलीफ में है, यस ब्लीड्स वैसे खून बहना है बट यहाँ पे मतलब है आई फील पेन्ड टू थिंक ओ द टीन, टीन मतलब कितना परेशान किया होगा, दैट आई हैव टर्नड यू टू विच इज फ्रॉम माई रिमेम्बरेंस, अर्थात मैं जब छोटी रही होंगी आपको कितना परेशान करती रही होंगी, प्लीज़ यू फर्दर, पापा और आगे बताइए कहानी, ठीक है, बीच में कहानी रोक के पापा को कहती है। अब प्रोस्पेरो आगे बताएगा माई ब्रदर एंड दाई अंकल एंटोनियो, विलन नंबर टू, तुम्हारे अंकल ने क्या किया, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बेटी, द दैट अ ब्रदर शुड सो बी परफीडियस, क्या कभी कोई भाई ऐसा परफीडियस हो सकता है, परफीडियस मतलब होता है विश्वासघाती, ट्रेचरस, ट्रेचरस मतलब होता है जो आपकी पीठ पे खंजर, विश्वासघात करे, तो माँ करो मेरी बेटी क्या कोई भाई इतना गद्दार हो सकता है, ही हुम नेक्स्ट दाई सेल्फ, ये वही था जिसे तुम्हारे बाद ऑल ऑफ ऑल दी वर्ल्ड आई लव, अर्थात मुझे दुनिया में तुम्हारे बाद दूसरा सबसे प्यारा था मेरा भाई एंटोनियो, और उसी ने मेरे साथ किया विश्वासघात, एंड टू हिम पुट द मैनेज ऑफ माई स्टेट, मैंने इसे क्या क्या रखा था, मैंने इस एंटोनियो को सारे स्टेट की जिम्मेदारी दे रखी थी, अपने पूरे मिलैन की जिम्मेदारी दे रखी थी, क्यों दे रखी थी, एट्स एट दैट टाइम दो ऑल द सिग्नेटरीज इट वॉज द फर्स्ट, मैंने क्या करा रखा था, मैंने सारे सिग्नेटरीज में, अर्थात मिलैन उस समय फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इटली था, सब मामलों में सब चीज़ों में मिलैन का नाम सर्वश्रेष्ठ लिया था पूरी इटली में, सारे राज्यों में प्रोस्पेरो सबसे ऊंचा ड्यूक था, और मैंने अपने भाई को क्या कर रखा था, अपना ड्यूकडम दे रखा था, ठीक है ना। आगे
एट दैट टाइम थ्रू ऑल द सिग्नेटरीज इट वॉज द फर्स्ट एंड प्रॉस्पेरो द प्राइम ड्यूक, और प्रॉस्पेरो उस समय सबसे प्राइम, पूरे इटली में सबसे बड़ा ड्यूक था, बींग सो रेप्यूटेड इन डिग्निटी, है ना, अपनी इज्जत के लिए वो जाना जाता था, लोगों पे दया करने के लिए प्रॉस्पेरो जाना जाता था, और ऐसा जिसका कोई दूसरा कोई मुकाबला नहीं है, दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं था पूरे इटली में, एंड दोज बींग ऑल माई स्टडी, और वो उन दौरान क्या करता रहता था, प्रॉस्पेरो अपना सारा समय अपनी स्टडी में लगाता था, प्रॉस्पेरो, हाँ प्रॉस्पेरो को पढ़ने की आदत थी, बुक्स पढ़ने की आदत थी, द गवर्नमेंट आई कास्ट अपॉन माई ब्रदर, और राज्य की देखभाल का काम, गवर्नमेंट चलाने का काम मैंने अपने भाई एंटोनियो को दे रखा था, है ना, यह है प्रॉस्पेरो का बताना, एंड माई स्टेट ग्रू स्ट्रेंजर, और धीरे धीरे मेरे राज्य का काम, मेरे राज्य के लोग मुझसे दूर होते गए, बींग ट्रांसपोर्टेड एंड रैप्ड इन अ सीक्रेट स्टडीज, क्योंकि मैं एक सीक्रेट किताबों में, अर्थात मैं अपनी मैजिकल दुनिया में, अर्थात किताबों की दुनिया में, जादू की किताबों की दुनिया में खोया रहता, पढ़ता रहता, और मेरे राज्य के लोग मुझसे दूर चले गए, दाय फॉल्स अंकल, तुम्हारे गद्दार चाचा ने, गद्दार चाचा, ठीक है, दाओ, अब ये बीच में फुल डैश लगा दिया, देखो यहाँ पर डैश ये बता रहा है कि कहानी बीच में रोक दिया, कह रहा है तुम मेरी बात सुन रही हो ना मिरिंडा, कहानी चल रही है तो इसीलिए बीच बीच में मिरिंडा को पूछ रहा है, कहानी सुन रही हो ना मिरिंडा, दाओ दस दाओ अटेंड मी, तुम मुझे अटेंड कर रही हो, तो मिरिंडा बोल रही है मोस्ट हीडफुली, हाँ हाँ बहुत ध्यान से सुन रही हूँ पापा आपकी कहानी, ठीक है ना, अर्थात मिरिंडा बहुत ध्यान दे रही है, तो अब प्रॉस्पेरो आगे बताएगा, याद रखिएगा फ्लैशबैक चल रहा है, कि प्रॉस्पेरो बताएगा बींग वंस परफेक्टेड, तो तुम्हारे, हाँ तुम्हारे अंकल ने क्या कर दिया, अपने आप को परफेक्ट बना लिया, हाउ टू ग्रांट सूट, कैसे लोगों को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, है ना, वैसे कोई भी काम जब किसी को करवाना होता है तो राजा के पास रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो अब ये राजा का रोल प्ले करने लगा एंटोनियो, इसने सीख लिया कैसे रिक्वेस्ट लोगों की एक्सेप्ट करें, सूट मतलब होता है रिक्वेस्ट, प्लीडिंग्स लेना, है ना, कैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, कैसे उन्हें डिनाई करें, हुम टू एडवांस एंड हु टू ट्रैश, किसको यस आगे बढ़ाएं और किसको ओवर टॉप कर दें, किसको यस कुचल दें, न्यू क्रिएटेड क्या कर दिया, नए बनाए उन लोगों को दैट वर माइन, अर्थात मेरे अपने आदमियों को, जो मेरे बनाए आदमी थे उनको इसने हटा दिया, या तो उनको चेंज कर दिया और एल्स न्यू फॉर्म्ड, या तो उन लोगों को बदल दिया या उनको यस अपना बना लिया, हैविंग बोथ द कीज ऑफ ऑफिस एंड ऑफिसर, अर्थात राज्य का यस मंत्रालय और राज्य के मंत्री सब अब एंटोनियो की मुट्ठी में, देखा एंटोनियो धीरे धीरे क्या कर दिया, पूरे राज्य पे कब्जा कर लिया, सेट ऑल हार्ट्स द स्टेट टू व्हाट प्लीज्ड हिज ईयर, और पूरे राज्य के लोगों को वही करने पे मजबूर कर दिया जो वह चाहता, अर्थात जो उसकी इच्छा करती एंटोनियो की वह पूरे राज्य में करता, अब लोग प्रॉस्पेरो से दूर हो चुके थे, दैट नाउ ही वॉज द आईवी विच हिड माय प्रिंसली ट्रंक, जैसे आईवी नाम का एक क्रीपर होता है, आईवी देखा है आपने, आईवी मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, एक क्रीपर होता है, ये रिंग रिंग करके क्या करता है, जिस पेड़ पे चढ़ता है उसको चारों तरफ से घेर लेता है और उससे सारा अपनी एनर्जी सक कर लेता है, जिस पर वो उगता है, क्रीपर समझते हो ना, बेल होती है टाइप की, चढ़ जाती है पेड़ पे और पूरा उससे क्या करती है, ताकत ले लेती है, तो यहां अपने आप को वो ट्रंक मान रहा है, वो ट्री मान रहा है और अपने भाई को मान रहा है आईवी, एंड सक माय वर्ड्योर, अर्थात मेरा सारा पावर, मेरी सारी ग्रीनरी, मेरी सारी स्ट्रेंथ उसने सक आउट कर ली, अब फिर पूछता है प्रॉस्पेरो, बिटिया तुम सुन रही हो ना, तो फिर कहती है मिरिंडा, हाँ हाँ पापा मैं सुन रही हूँ, आई प्रे दी मार्क मी, मेरी बात सुनना, आई नेग्लेक्टिंग वर्ल्डली एंड्स, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुनिया में कोई भी एम नहीं था, अर्थात मुझे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ऑल डेडिकेटेड टू क्लोजनेस एंड बेटरिंग ऑफ माई माइंड, बस मैं अपने दिमाग को और शार्प और बेटर करना चाहता था, बट बाय बींग सो रिटायर्ड, क्योंकि ये थोड़ा रिटायर्ड हो चुका था, अर्थात पब्लिक से मीटिंग करना, प्रजा का काम देखने से यह दूर चुका था, क्यों, क्योंकि ओवर प्राइज बाय द पॉपुलर रेट, और इसी फायदा लेते हुए
इसी बात का फायदा लेते हुए, किस बात का, कि मैंने कभी भी राज्य के कामों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, किसने, प्रॉस्पेरो ने, एंड ओवरप्राइज्ड ऑल पॉपुलर रेट इन माय फॉल्स ब्रदर, और यही मौका मिला मेरे ट्रेचरस ब्रदर को क्या करने का, उसके अंदर ईवल नेचर जागने का, मेरा प्रजा से दूर जाना, अपनी किताबों में रहना, और मेरे भाई का सारे मंत्रालय पे कब्जा करने से उसके अंदर एक बुरी ये भावना जाग गई, और मेरा विश्वास जो कि हर अच्छे पेरेंट्स का विश्वास होता है, डिड बी गेट ऑफ हिम अ फॉल्सहुड, अर्थात हर अच्छे पेरेंट्स को क्या मिलता है, बाद में मिलता है धोखा। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ, मैंने अपने भाई पे विश्वास किया, इन इट्स कॉन्ट्रेरी एज ग्रेट एज माई ट्रस्ट, तो जितना बड़ा मेरा विश्वास था मेरे भाई पर, उतना ही बड़ा मुझे मिला मेरे भाई से धोखा, है ना। और आप जानते ही हैं, विच हैड इंडीड नो लिमिट, अर्थात इस धोखे की, इस ट्रेचरस की कोई लिमिट नहीं है, कॉन्फिडेंस सेंस बॉन्ड, अर्थात इसका कोई लिमिट नहीं है, ही बीइंग लॉडेड, अर्थात ही कौन है यहां पर, यहां पे ही एंटोनियो है, तो एंटोनियो अब लॉर्ड बन चुका है पूरे नेपल्स का, नॉट ओनली विद द रेवेन्यू, अर्थात सारे पैसों का भी मालिक वही बन चुका था, बट विथ माई पावर, तो रेवेन्यू का भी मालिक वही है, अर्थात देश के खजाने का भी मालिक वही है, देश की सेनाओं का भी मालिक वही है, तो लाइक वन हैविंग इनटू ट्रुथ बाय टेलिंग ऑफ इट, अर्थात लोगों को क्या किया उसने, अपने बस में कर लिया, क्या बता करके कि वो अब सच्चा लॉर्ड है, मेड सच अ सिनर ऑफ हिज मेमरी टू क्रेडिट हिज ओन लाइ, अर्थात उसने अपने भी मेमरी में, अपने भी मेमरी में इतना बुराई भर ली कि अब उसे अपने आप को यस राजा महसूस करने लगा, वह अपने आप को अब राजा समझने लगा, ड्यूक समझने लगा, ही डिड बिलीव ही वॉज इंडीड द ड्यूक, अब उसके मन में, उसकी मेमरी में ये बात बैठ गई कि वो क्या है, भाई नहीं है ड्यूक का, वह स्वयं ड्यूक है, आउट द सब्स्टिट्यूशन एंड एग्जीक्यूटिंग, तो वो अब क्या करना चाहता था, सब्स्टिट्यूशन करना चाहता था, अर्थात अब वह अपने बाहरी रूप ऑफ रॉयल्टी को, जो उसने दिखावा करना था, उसे क्या करना चाहता था, असलियत देना चाहता था, क्या करना चाहता था, अपने इस दिखावे को असली में राजा के रूप में बदलना चाहता था, अर्थात अब वह सिर्फ बाहरी मार्क ऑफ रॉयल्टी का व्यक्ति नहीं बनेगा, अब रियल प्रिविलेज वाला व्यक्ति बनेगा, कैसे, इस राजा प्रोस्पेरो को बाहर निकाल के, हेंस हिज एम्बिशन ग्रोइंग, इस तरीके से उसके अंदर एम्बिशन बढ़ता जा रहा था, दिन प्रतिदिन वो और एम्बिशियस होता जाता है, द वर्ड एम्बिशन मीन्स वॉन्टिंग वेरी मच टू बी सक्सेसफुल, वॉन्टिंग वेरी मच टू बी ग्रेट, है ना, उसे कहते हैं एम्बिशन, तो वह दिन ब दिन और एम्बिशियस होता जा रहा था, फिर ये लाइन पूछता है अपनी बेटी से, डाउ डस्ट हियर, तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो, मिरिंडा क्या बोलेगी, योर टेल, पापा आपकी कहानी तो लगता है बहरों का भी कान ठीक कर देगी, आपकी कहानी डेफनेस भी क्लियर कर सकती है, तब प्रोस्पेरो बोलेगा, टू हैव नो स्क्रीन बिटवीन दिस पार्ट, बोलेगा कि क्या करना है, कोई पर्दा नहीं करना है कि क्या उसने पार्ट प्ले किया, है ना, तुम्हारे अंकल ने क्या प्लेट किया, ही नीड्स विल बी एब्सोल्यूट मिलान, अब वो पूरे मिलान को कब्जा करना चाहता था, अर्थात पूरी तरह से प्रोस्पेरो से मिलान को खाली कर देना चाहता था, मी पुअर मैन, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, अपने आप को पुअर क्यों कह रहा है, क्योंकि वो बहुत हम्बल आदमी है, तो मी पुअर मैन माई लाइब्रेरी, अर्थात मेरा राज्य क्या था, सिर्फ मेरा मेरी लाइब्रेरी थे, मेरा ड्यूकडम तो मेरी लाइब्रेरी जितना बड़ा था, वॉज अ टेम्पोरल रॉयल्टीज, अर्थात मेरी रॉयल्टीज सिर्फ मेरे ड्यूकडम थी, ही थिंक्स मी नाउ इनकैपेबल, और वह मेरे बारे में सोचने लगा कि मैं लायक नहीं हूँ, और मेरे खिलाफ उसने प्लॉट करना शुरू किया, सो ड्राई ही वॉज फॉर द स्वे, इतना लालची हो चुका था वह राज्य पे कब्जा करने के लिए, और इसके लिए वह पहुंचा किंग ऑफ नेपल्स के पास, एंटोनियो गया किंग ऑफ नेपल्स से मदद मांगने, क्या बदले में देगा, टू गिव हिम एनुअल ट्रिब्यूट, अर्थात हर साल वह उसे गिफ्ट देगा, एक बड़ा टैक्स का अमाउंट देगा, एंड डू हिम हेम होनेज, और क्या करेगा, उसके आगे झुकेगा, होमेज करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, और उसके क्राउन के अंडर में काम करेगा, अर्थात उसके क्राउन के अंडर में, अर्थात एक राजा के आगे झुक करके सलाम करके रहेगा,
नेपल्स को, यस नेपल्स के राजा को भी लालच आ जाएगा। यहाँ पर नेपल्स का राजा है अलोंजो, यहाँ पे शुरू होता है अलोंजो का बुरा करेक्टर। अर्थात इन बिगनिंग अलोंजो वॉज अ मैन ऑफ यस सिन, उसके अंदर भी लालच भर गया था, ठीक है ना, क्योंकि एंटोनियो ने उसे वचन दिया था कि वो उसे एनुअल ट्रिब्यूट देगा, सालाना एक फिक्स्ड टैक्स के रूप में पैसा देगा और उसके आगे हमेशा क्या रहेगा, झुक के रहेगा। एंड बेंड द ड्यूकडम येट अनबोर्ड, इससे पहले तक मेरा राज्य किसी के आगे सर नहीं झुकाता था, आज मेरे राज्य का इसने सर झुका दिया। सो अलास पुअर मिरिंडा, सुनो मेरी पुअर बेटी मिरिंडा, है ना, क्या टू मोस्ट इग्नोरेबल स्टूपिंग, ये एक सबसे डिसऑनरेबल झुकना था, सबसे ज्यादा शर्मनाक था मेरे राज्य का झुकना, और तुम्हारे अंकल ने मिलैन का सर झुका दिया। ओ द हेवंस, मिरिंडा भी कह पड़ेगी हे भगवान, ओ द हेवंस। प्रॉस्पेरो क्या कहेगा, मार्क हिज कंडीशन, ध्यान देना क्या सेटलमेंट किया उसने, कंडीशंस का मतलब होता है मार्क दी एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट साइन किया, क्या एग्रीमेंट किया, द इवेंट टिल टेल मी इफ दिस माइस बी अ ब्रदर, अब बताओ क्या एक ऐसा भाई होता है, क्या भाई ऐसे होते हैं। मिरिंडा कहेगी आई शुड सिन टू थिंक, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यह सोच के तुम्हारी माँ पर, अपने पापा की माँ अर्थात दादी पर सोच के, गुड वुम्स हैड बॉर्न बैड सन्स, कैसे एक ही माँ के दो संतानें एक अच्छी एक बुरी हो सकती है। प्रॉस्पेरो कहता है नाउ द कंडीशन, कंडीशन मतलब वो एग्रीमेंट, वो पैक्ट, किसके बीच में एग्रीमेंट, अलोंजो के बीच में और प्रॉस्पेरो एंटोनियो के बीच में, किंग ऑफ नेपल्स बीइंग एन एनिमी टू एन इनवर्टरेट हार्कन्स माय ब्रदर सूट, अर्थात किंग ऑफ नेपल्स जो था उसने क्या किया, मेरे भाई के साथ एग्रीमेंट कर लिया, है ना, क्या किया, विच वॉज दैट ही इन ल्यू ऑफ द प्रिमाइसेस ऑफ होमेज, बदले में उसे मिलेगा होमेज, एक रिस्पेक्ट, एंड आई नो नॉट हाउ मच ट्रिब्यूट, मुझे वो अमाउंट नहीं मालूम है कि कितना वो ट्रिब्यूट उसे देने वाला है, ट्रिब्यूट मतलब कितना वो टैक्स देने वाला है, शुड प्रेजेंटली एक्सपीरेट, कितना वो टैक्स देगा मी एंड माई माइंड, मुझे और मेरे ड्यूकडम से अलग करने के लिए, सो कॉन्फर मिलैन, ताकि मिलैन उसको मिल सके, विथ ऑल द ऑनर्स ऑन माई ब्रदर, तो मिलैन को पाने के लिए उसने जो ट्रिब्यूट बताया, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम कि उसने कितना ट्रिब्यूट का प्रॉमिस किया, बट उसने प्रॉमिस किया कि हम हमेशा क्या करेंगे, आपकी होमेज करेंगे, अर्थात आपके सामने हमेशा झुक के रहेंगे। सो एक गद्दार सेना, एक ट्रेचरस आर्मी, एक बेईमानों से भरी सेना, वन मिडनाइट आधी रात को आई, फेटेड टू द पर्पस, जिसका पर्पस था एंटोनियो का साथ देना, ये सेना जानते ही हो अलोंजो की मदद से आई थी, ये रात के अंधेरे में आती है, मिलैन के गेट से एंटर कर जाती है और रात के ही अंधेरों में इनके मिनिस्टर्स हरीड करते हैं और मुझे मी मतलब प्रॉस्पेरो को और तुम्हें रोता हुआ ले जाते हैं महल से बाहर। मिरिंडा बोलती है अलैक फॉर पिटी, अर्थात हे राम, मतलब अलास कितना दुख है, आई नॉट रिमेम्बरिंग हाउ आई क्राइड, मुझे नहीं मालूम है तब मैं कितना रोई होंगी, क्योंकि उस समय वो 3 बरस की थी, विल क्राइड ओवर अगेन, आज मुझे यह सब सोच के फिर से रोना आ रहा है, पापा की बात सुन के उसे रोना आने लगता है, इट इज अ हिंट दैट रिंग्स माइन आईज, यह बात सोच करके मेरी आंख से आंसू बह रहे हैं, आज भी कितनी गद्दारी हुई है पापा आपके साथ। तो प्रॉस्पेरो बोलेगा हियर लिटिल फादर, थोड़ी और कहानी सुन लो, एंड देन आई विल ब्रिंग दी टू प्रेजेंट बिजनेस, और तब मैं तुम्हें आज हम यहाँ कैसे पहुंचे, आज की स्थिति तक तुम्हें ले आऊंगा, ठीक है, विच नाउस्ट अपॉन, विदाउट द विच दिस स्टोरी वर मोस्ट इम्पर्टिनेंट, ताकि तुम्हें क्या लगे, विच इज नाउ हेयर, विदाउट विच दिस स्टोरी वुड बी इररेलीवेंट, ठीक, हम कैसे यहां तक पहुंचे यह समझना बहुत जरूरी है, वेयर फोर डिड दे नॉट आवर डिस्ट्रॉयर्स, देखिए मिरिंडा का एक अच्छा क्वेश्चन आया कि क्यों, वेयर फोर मतलब होता है वाई, क्यों नहीं उन लोग ने हमें मार डाला उसी समय, तो क्या जवाब देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिरिंडा, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, है ना, माई टेल्स प्रोवोक द क्वेश्चन, अर्थात मेरी कहानी से तुम्हारे अंदर क्वेश्चन जाग रहा है,
डियर दे डर्स्ट नॉट, अर्थात उनकी हिम्मत नहीं थी, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी। कहते हैं ना डियर डेयर नॉट, डेयर समझते हो क्या होता है ना, उतना करने का उनके पास कलेजा नहीं था, मुझे मारने का उनके पास कलेजा नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती थी। अगर मेरा खून का कतरा लोगों को पता चल जाता एंटोनियो ने किया है, तो एंटोनियो को तो काट डालते उन लोग, समझ गए ना। सो नॉट सेट अ ब्लड टू द बिजनेस, तो इस काम को वो बहुत ब्लडी नहीं बनाना चाहते थे, ठीक है ना। बट विद द कलर्स फेयर पेंटेड द फाउल एंड्स, अर्थात अपने बुरे कामों को, यस, चुपचाप अपने बुरे कामों को अंजाम देना चाहते थे। इन फ्यू दे हरीड एस अब्रॉड, और क्या किया उन्होंने, हमें एक बड़ी सी शिप में ले गए, और वह बड़ी सी शिप क्या करेगी, उन्हें एक बोट में उतार देगी। बड़ी सी शिप क्या करेगी, समुद्र में जाएगी और प्रॉस्पेरो को और मिरिंडा को एक छोटी सी बोट में, हाँ एक छोटी सी बोट में बीच समुद्र में ला के छोड़ देंगे। वेयर दे प्रिपेयर्ड अ रॉटन कैरकस ऑफ बट, ये जो बोट होगी वो एक लकड़ी का सड़ा नुमा बोट होगा। कैरकस मतलब होता है जैसे लगता है कि डेड बॉडी है। किसकी डेड बॉडी है? हाँ, बोट की डेड बॉडी है। ऐसी बोट, ऐसी वाहियात बोट जिसमें कोई रिग भी नहीं है, अर्थात इसमें सेल करने के लिए कोई चीज नहीं है, ना तो उसमें सेल है, अर्थात ऐसी बोट में उतारेंगे जहां पर क्या हो जाए, ये लोग मर जाएं, ठीक है ना। नो सेल है, ना तो पर्दे हैं, ना तो मास्ट है, मास्ट मतलब बीच का डंडा नहीं है। द वेरी रेट्स हैव इंस्टिंक्ट, यहां तो चूहे भी कूद के भाग गए हैं, ऐसी नाव है कि इसमें चूहे भी नहीं रहेंगे। सो दे हॉइस्ट अस, ऐसी नाव में बीच समुद्र में जाकर के उन्होंने उनको उतार दिया। टू क्राई टू द सी द रोड टू अस, और बीच समुद्र में जब लहरें चल रही थी वहीं पे उस छोटी सी नाव में हमें उतार दिया गया। टू साय द विंड, ताकि हम तेज तूफान को सह सकें। हुज पिटी, जिनके भरोसे, जिनकी दया के भरोसे हम छोड़ दिए गए थे, है ना। डिड अस बट लविंग रॉन्ग, तो इस तरीके से उन्होंने हमारे साथ गलत किया। डूइंग हार्म टू अस इन लव, किसने नुकसान पहुंचाया, एंटोनियो और एलोंसो ने। मिरिंडा अलैक, मतलब फिर से, हा व्हाट ट्रबल वाज आई टू यू, ये बार बार बोलती है मिरिंडा, देखिए। ओ यू चेरविन, अब बोलेगा तुम मेरे लिए उस समय क्या थी, एंजल थी। चेरविन एक एंजल होती है ना, क्योंकि तुमको देखकर मुझे जीने की इच्छा जगी थी। Thou wast that preserved me, तुम थी जिसने मुझे बचा लिया, तेरा प्यार भरा मुस्कुराता चेहरा। Thou smile infused the fortitude, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे हौसला देती थी लड़ने का, ठीक है ना। मैं तो आसमानों से भी लड़ने को तैयार था। When I have dagged the sea with the drops full salt, अर्थात जब मैं उस समुद्र में उतरा, है ना, अंडर माई बर्डन ग्रोन्ड विच रेज्ड इन मी एन अंडर गोइंग स्टमक टू बियर अप, अर्थात मेरे पास जो हिम्मत आई, मेरे पास जो स्पिरिट ऑफ करेज आया, अंडर गोइंग स्टमक का मतलब है हौसला या सहन शक्ति, तो मेरे अंदर जो सहन शक्ति आई, बियर करने की पावर आई, वो तुम्हारी वजह से आई। अगेंस्ट वॉट शुड एंस्यू, अर्थात मैं तैयार हो गया कि जो होगा देखा जाएगा, मैं हर कुछ सहने को तैयार हो गया सिर्फ तुम्हारी एक मुस्कुराहट से। तो सारा क्रेडिट उसने किसको दे दिया, जीने का मिरिंडा को दे दिया। तो हाउ केम बी अशोर, अर्थात हम कैसे आए इस समुद्र में, इस किनारे कैसे लगे, हमें तो बीच समुद्र में छोड़ दिया था। तो बाय प्रोविडेंस डिवाइन, अर्थात उसकी मर्जी से। प्रोविडेंस डिवाइन मतलब होता है उस ईश्वर की मर्जी से, क्योंकि हमारी नाव में कुछ खाना था, कुछ फ्रेश वाटर था, और वो देने वाला कौन था, एक नेपोलिटाइन व्यक्ति, गोंजेलो। गोंजेलो वही व्यक्ति है जो राजा का ओल्ड काउंसलर है, किंग ऑफ नेपल्स का काउंसलर है। उसने दया दिखाई, उसने दया दिखाई, क्योंकि उसी को जिम्मेदारी दी गई थी इस सारे काम को करने की, मुझे और मेरी बेटी को शिप में उतारने की। इस पूरी प्लानिंग का काम गोंजेलो का था, तो उसने क्या किया, एक अच्छा काम किया। क्या क्या कर दिया, खाना रख दिया, फ्रेश वाटर रख दिया उस नाव में, एंड डिड गिव अस विथ रिच गारमेंट्स, कपड़े रख दिए, लिनन रख दिया, स्टफ रख दिया, और वो ज़रूरत की चीज़ें जो जीने के लिए ज़रूरी थी, सिंस हैव स्टेडेड मच, ठीक है ना, वो ज़रूरत की चीज़ें उसने रख दी। और क्या किया,
नोइंग दैट आई लव्ड माई बुक्स, और उसे ये भी पता था कि मैं अपनी बुक से बहुत प्यार करता हूँ, तो उसने मेरी किताबें भी, मेरी पूरी लाइब्रेरी उन्होंने क्या कर रही थी, उस नाव में रख दी थी, ठीक है ना, विथ वॉल्यूम्स दैट आई प्राइज्ड ओवर माई ड्यूकडम, अर्थात वो किताबें जो मुझे मेरे पूरे राज्य से, मुझे पूरे मिलैन से भी सबसे ज़्यादा प्यारी थी, वह सब गोंज़ालो ने उसे प्रदान कर दी थी। अब मिरांडा बोलेगी, वुड आई माइट एवर सी दैट मैन, क्या मैं उस मैन को देख सकती हूँ? किस मैन की बात कर रही है मिरांडा इसमें? मिरांडा बात कर रही है गोंज़ालो की। क्या मैं उस अच्छे व्यक्ति को देख सकती हूँ? तो प्रॉस्पेरो बताएगा, नाउ आई अराइज। अब वो खड़ा हो जाएगा, रेजेज हिज मेंटल एंड अब क्या करेगा, सिट स्टिल हियर द लास्ट ऑफ द सी सॉरो। उसको रोक देगा, कहेगा रुक जाओ, पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। हेयर इन दिस आइलैंड वी अराइव्ड, हम इस आइलैंड में पहुंच गए, एंड हेयर हैव आई सच स्कूल मास्टर, यहां मैं तुम्हारा क्या बन गया, यहां मैं तुम्हारा टीचर बन गया। क्योंकि बच्ची छोटी थी तो वहां पे उसको कोई गुरु चाहिए। मेड दी मोर प्रॉफिट, और मैंने तुम्हें ज्यादा फायदा पहुंचाया पढ़ाकर, जो किसी और प्रिंसेस को नहीं मिल पाता। क्योंकि अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ तो मैंने पूरा समय तुम्हारे वेल बीइंग पे ध्यान दिया है ना। दैट हैव मोर टाइम फॉर वेनियर आवर्स एंड ट्यूटर्स नॉट सो केयरफुल, अर्थात अगर मैं राजकाज देखता तो मैं सारा काम बर्बाद कर देता है ना, राजकाज में ही टाइम वेस्ट कर देता। वेनियर मतलब होता है फुलिश आवर्स, अर्थात वेस्ट करना है ना। तो मैंने तुम्हारे साथ अपना समय अच्छे से बिताया, ठीक है, तुम्हें सिखाने में, क्योंकि वैसे अगर ट्यूटर लगे होते है ना तो शायद तुम्हारा इतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं हो पाती। मिरांडा बोलती है, हेवेंस थैंक फॉर इट, अर्थात मुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए पापा थैंक यू, एंड आई प्रे यू सर फॉर स्टिल इट इज़ बीटिंग इन माई माइंड, मेरे अभी भी मन में एक आवाज़ चल रही है, क्या कि आप मुझे रीज़न दीजिए कि आपने वो सी स्टॉर्म क्यों रेस किया, आपने वह टेम्पेस्ट क्यों पैदा किया। तो अब वो बताएगा टेम्पेस्ट लाने का रीज़न। प्रॉस्पेरो बताएगा, नो दस फॉर सब फोर्थ बाय एक्सीडेंट मोस्ट स्ट्रेंज, तो बड़ा एक बहुत ही स्ट्रेंज घटना घटी। क्या घटना घटी? लगता है कि भाग्य हमारे साथ था। देखिए एफ है फॉर्च्यून, फॉर्च्यून भाग्य का नाम होता है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, लक की गॉड। उस समय फॉर्च्यून 12 साल बाद हमारे पक्ष में है। फॉर माई डियर लेडी हैथ माइन एनिमीज, क्योंकि मेरे सारे दुश्मन एक साथ इसी शोर पे, जिस आइलैंड पे हैं उसी के शोर से गुजरने वाले थे। एंड बाय माई प्रिसाइंस, मेरी भविष्य देखने की पावर से, आई फाइंड माई जेनिथ, मेरे भी किस्मत का बुलंद सितारा, जेनिथ मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, मेरी किस्मत का सबसे अच्छा बुलंद सितारा आ रहा था। एंड डॉ डिपेंड अपॉन अन ऑस्पिशियस सितार, अर्थात मेरे भाग्य का सबसे फेवरेबल टाइम यही था, जब यह मेरे सारे दुश्मन मेरे सामने से गुजरने वाले थे और मैं इस तारे की मदद से, इफ आई काउंट नॉट, अगर आज मैं इसको इस समय का यूज नहीं करता, ऑमिट कर देता, तो मेरा भाग्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता, अर्थात मैं हमेशा के लिए बदनाम रह जाता, यही रह जाता। सो हेयर सीज यस, इसलिए और क्वेश्चन मत पूछो, दाउ आर्ट इंक्लाइंड टू स्लीप, क्योंकि तुम्हें अब नींद आ रही है। याद रखना, ये नींद ही प्रॉस्पेरो अपने जादू से अपनी बेटी को करा देता है, उसके पास तो जानते हो मैजिकल पावर्स है। इट इज़ गुड डलनेस एंड गिव इट अवे, क्या करो, अच्छा लग रहा है तुम्हारे अंदर डलनेस आ रही है, नींद की झपकियाँ आ रही हैं, सो जाओ। आई नो दाउ केमेस्ट नॉट चूस, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे पास चूस करने का कोई पावर नहीं है, क्योंकि प्रॉस्पेरो अपने पावर से उसको सुला देता है। कम अवे सर्वेंट कम, और यहाँ मिरांडा सोती है, वहाँ वो अपने सर्वेंट को बुलाता है, और आप जानते ही हैं इस कहानी में वो तैयार है अपने सर्वेंट के साथ, एरियल के साथ बदला लेने के लिए। एरियल एक एरी स्पिरिट है, हाँ एरियल का इंट्रोडक्शन हो रहा है, आइए देखिए पहला स्पीच एरियल का। एरियल एक चुलबुली मतवाली मस्त मिजाज की एक स्पिरिट है, ठीक है ना, जिसको साइकोरेक्स ने अपने कब्जे में रखा था, और उसके बाद प्रॉस्पेरो ने उसे बचा करके उससे अब काम ले रहा है,
है ना, उससे अपने ये सारे काम करवा रहा है। याद रखिएगा सुपर नेचुरल पावर है प्रॉस्पेरो के पास। तो एरियल की स्पीच, ऑल हेल ग्रेट मास्टर ग्रेव सर, हेल हेल, देखो मैंने कहा ना चुलबुली है ये स्पिरिट, कह रही है मास्टर ग्रेट मास्टर, आई केम टू आंसर द बेस्ट प्लेजर बट बेस्ट टू फ्लाई टू स्विम टू डाइव इन टू द फायर। मैंने क्या किया, मैंने आग में कूदा, पानी में छलांग लगाई, ठीक है, टू राइड द कर्डल्स क्लाउड, और क्या कर दिया, बादलों में आग फैला दी, टू दाई स्ट्रॉन्ग बिडिंग टास्क, आपने जैसा मुझे टास्क दिया था, बिडिंग मतलब होता ऑर्डर दिया था, मैंने वो सब काम किया। एरियल एंड हिज क्वालिटी, यही मेरी क्या है, क्वालिटी है। एरियल और मेरे जैसे और कंपेनियंस अर्थात और बहुत सारे क्या हैं, स्पिरिट्स हैं जो एरियल जैसे हैं, उन सब ने मिलके वही काम किया। तो प्रॉस्पेरो खुश हो जाएगा, बोलेगा हैस्ट दाउ स्पिरिट परफॉर्म टू पॉइंट, अर्थात तुमने वो सब किया जैसा मैंने टेम्पेस्ट कहा था, वैसा ही टेम्पेस्ट तुमने रेज किया, जिस तरह का मैंने ऑर्डर दिया था एकदम उसी डिटेल में तुमने काम किया। तो कहेंगी एरियल, कहेगी जवाब देगी हाँ टू एवरी आर्टिकल, अर्थात हर एक डिटेल में, अर्थात एक एक छोटी बात हमने आपकी ध्यान रखी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। देखो क्या क्या उसने किया पता चलेगा तुमको, क्या किया, आई बोर्डेड द किंग शिप, सबसे पहले मैं राजा की शिप में पहुंची, ये एरियल बता रही है। नाउ ऑन द बीक, फिर पहुंच गई शिप के फ्रंट एंड में जहां शिप का आगे का कोना होता है। नाउ इन द वेस्ट, और फिर पहुंची शिप के मिडिल पार्ट में, फिर पहुंच गई शिप के डेक में, फिर शिप के हर एक केबिन में, क्या पहुंचाया वहां पर, आग पहुंचाई, जहां जहां मैं गई मैंने वहां पर आग लगा दी। एंड समटाइम्स आई डिवाइड, कभी कभी मैंने आग को बांट दिया, कभी कभी मैंने अलग अलग हिस्सों में जब मैं आग लगाई, कभी टॉप का मास्ट, सबसे बीच का जो डंडा होता है शिप का उसे कहते हैं टॉप मास्ट, है ना, जो शिप का सबसे बीच का डंडा होता है इसे टॉप मास्ट कहते हैं, कभी कभी मैंने इस पे आग लगा दी, है ना, इसके बो स्पिरिट में फ्रंट एंड ऑफ द शिप में आग लगा दी। देन आई मीट एंड ज्वाइन, तो किस तरीके से मैंने अलग अलग शिप के हिस्सों में आग लगा दी, हड़कम मचा दी। जोज लाइटिंग, जो गॉड है याद रखिएगा, जो भगवान है, किसके भगवान है, जो जुपिटर हैं, जो कि सुप्रीम गॉड हैं, इनको माना गया है गॉड ऑफ थंडर बोल्ट एंड लाइटनिंग। तो भगवान की जो थंडर बोल्ट एंड लाइटनिंग थी, है ना, वो सब शिप में गिर रही थी, चारों तरफ बिजलियां गिर रही थी और मोमेंट्री फ्लैशेस हो रही थी, तेज चमक पड़ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, पर आग इधर उधर क्रैक्स के रूप में, बर्निंग फायर के रूप में, रोरिंग के रूप में, इस माइटी नेपच्यून, नेपच्यून द सी गॉड होता है, इस माइटी नेपच्यून के ऊपर यस बिगेन टू सीज, ऐसा लगता था कि समुद्र उसको ओवर पावर कर जाएगा, इतनी लहरें उठ रही थी। एंड मेक हिज बोल्ड वेव्स ट्रेम्बल, और समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची टेम्पेस्ट में पैदा कर रही थी। तो ये एग्जाम्पल है कि एरियल किस तरीके से क्या क्या एक्शन से शिप को बर्बाद कर रही है। ये हिज टेरिबल ड्रेड ट्राइडेंट शेक, पूरी शिप को मैंने क्या कर दिया था, हिला दिया था, ठीक है ना, पूरे शिप के हर एक को यस तबाह कर दिया। प्रॉस्पेरो तारीफ करेगा, कहेगा माय ब्रेव स्पिरिट हु वाज सो फर्म, क्या कोई पूरी शिप में कोई ऐसा व्यक्ति था जो एकदम शांत था, इतने सब हंगामे में भी, इतने शोर शराबे में, इस कॉइल में कोई ऐसा था जो एकदम नॉर्मल था, अच्छे से बिहेव कर रहा था। तो जवाब मिलेगा नहीं, नॉट अ सोल, शिप में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कूल डाउन था, काम था, बट अ फीवर ऑफ मैडनेस, पूरी शिप में पागलपन था। एंड प्लेड सम ट्रिक ऑफ डेस्परेशन, और मैंने उनके साथ क्या कर रखा था, ट्रिक्स खेल रही थी मैं, किनके साथ, शिप में रहे लोगों के साथ, पैसेंजर के साथ मैं डेस्परेशन का ट्रिक खेल रही थी। ऑल बट मैराइनर्स प्लंज इन टू द फोमिंग ब्राइन, सब क्या कर गए, ब्राइन मतलब होता है सी वाटर, सब समुद्र के पानी में कूद गए, सिर्फ किसको छोड़ करके, मैरिनर्स को छोड़ करके, सेलर्स नहीं कूदे समुद्र में, बाकी सब कूद गए, क्विट द वेसल, सब वेसल कूद गए, ठीक है। देन ऑल अ फायर विथ मी, ठीक है, और सारी आग मेरे अंदर थी, ठीक है ना, ऑल अ फायर मतलब होता है मैंने सब कुछ को क्या कर दिया, जला दिया। राजा का बेटा, क्या नाम है राजा का बेटे का, फर्डिनेंड, विथ हेयर अप स्टेयरिंग, है ना, वो उसके रोंगटे खड़े हो गए, हेयर अप स्टेयरिंग मतलब रोंगटे खड़े हो गए। देन लाइक रीड्स नॉट हेयर, ऐसा लग रहा था वो रीड्स हैं, है ना, वो बाल नहीं है बल्कि जंगली घास है, रीड्स हैं।
वॉज द फर्स्ट मैन दैट लीव्ड. तो सबसे पहले जो समुद्र में कूदने वाला था वो राजा का बेटा था. और क्या चिल्लाया राजा के बेटा ने, फर्डिनेंड ने क्या आवाज लगाई, हेल इज एम्प्टी, लगता है नरक क्या है ऊपर से खाली हो गया है. एंड ऑल डेवल्स आर हेयर, लगता है नरक के सारे राक्षस यहीं आ गए, शिप में आ गए. और ऐसा कहते हुए फर्डिनेंड शिप में, शिप से कूद जाता है. प्रॉस्पेरो फिर पूछता है, व्हाई दैट्स माय स्पिरिट बट वॉज नॉट दिस नाई शोर, मतलब यह सब क्या हुआ, शिप शोर पे तो नहीं आ गई है. तो बोलता है क्लोज बाय माय मास्टर, मतलब एकदम नज़दीक है. क्लोज मतलब होता है एकदम पास में ही है शिप, ठीक है ना, इस आइलैंड के पास में ही है. बट आर दे सेफ, क्या वो पूछ रहा है क्या वो सारे सेफ हैं. तो एरियल जवाब देगा नॉट अ हेयर पेरिश्ड, अर्थात एक भी बाल बाका नहीं हुआ, ठीक है ना. ऑन देयर सस्टेनिंग गारमेंट्स, बल्कि उनके गारमेंट्स में एक भी ब्लेमिश, एक भी दाग नहीं मिलेगा. बल्कि दे आर फ्रेशर देन बिफोर, अर्थात अब तो उनके गारमेंट्स और चमक निकलेंगे. एज दाउ बिडेस्ट मी, जैसा आपने मुझे ऑर्डर दिया था, मैंने इनको ट्रूप्स में अर्थात ग्रुप्स में क्या कर दिया है, आई हैव डिस्पर्स देम. तो सब समुद्र में कूदे हैं, कोई डूबा नहीं है, पर सब अलग अलग ग्रुप्स में क्या हो गए, बिखर गए हैं. आई हैव डिस्पर्स देम बाउट द आइलैंड्स, बाउट पता पता है पूरे आइलैंड में बिखेर दिया है. हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं बच गया हूँ और बाकी सब डूब गए हैं, ठीक है. द किंग्स सन, राजा का बेटा फर्डिनेंड, आई हैव लैंडेड बाय माई सेल्फ, उसको तो मैंने अलग से क्या कर दिया है, आइलैंड में ले गया हूँ, आइलैंड के अलग कोने में ले गया हूँ. हुम आई लेफ्ट कूलिंग ऑफ द एयर विद साई, और जो क्या कर रहा है, तेज से लंबी लंबी सांसें ले रहा है, आहें भर रहा है, रोने वाली सिसकियां ले रहा है. इन एन ऑड एंगल ऑफ द आइल्स, आइलैंड के किसी एक अलग कोने में जहाँ कोई नहीं है, फर्डिनेंड अकेला है, याद रखिएगा. एंड सिटिंग हिज आर्म्स इन सैड नॉट, सैड नॉट मतलब होता है आर्म्स को ऐसे नहीं घुटने में करके बैठते हैं, ऐसे करके वो रो रहा है, सिसकियां भर रहा है फर्डिनेंड. प्रॉस्पेरो पूछेगा, ओ द किंग्स शिप, जो राजा की शिप थी, मरीनर्स थे, दे हैज डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द फ्लीट, अर्थात तुमने किंग की शिप का क्या किया, मरीनर्स का क्या किया. तो किंग की शिप और मरीनर्स कहाँ पर हैं, एकदम सेफ हैं. राजा की शिप हार्बर में सेफली खड़ी है, एक कोने में खड़ी है, एक द्वीप नूक में खड़ी है, कॉर्नर में खड़ी है. वेयर वंस दे कॉल्डेस्ट मी अप एट मिडनाइट, जहाँ एक बार पहले आपने मुझे आधी रात को भेजा था. वो याद दिला रहा है एरियल प्रॉस्पेरो को कि आपने एक बार आधी रात को मुझे एक कॉर्नर में भेजा था आइलैंड के, टू फेच ड्यू, क्या लाने के लिए, ड्यू लाने के लिए, ओस की बूंदे लाने के लिए. किस लिए, फ्रॉम दी बरमोथ्स, है ना. बरमोथ्स कौन है, एक प्लेस है जिसका नाम है बरमूडास, बरमूडा नाम के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं. यस, जहाँ से आपने मुझे ड्यू लाने के लिए भेजा था, वहीं पर मैंने शिप को क्या कर दिया है, हार्बर कर दिया है. देयर शी, शी कौन है यहाँ पर, शिप, शी यहाँ पर कौन है, शिप, जहाँ पर शिप को मैंने क्या कर दिया है, हार्बर कर दिया है. छुपी हुई है शिप, सबको दिख नहीं रही है. और उसके मरीनर्स, उसके सेलर्स कहाँ हैं, उसी शिप के नीचे, उसकी शिप के शेड में आराम से सो रहे हैं, थके हुए हैं, ठीक है. हु विथ अ चार्म, और वो भी जादू से, है ना, जादू भी चार्म भी है जिसकी वजह से सो रहे हैं. और सफर्ड लेबर, अभी तक उन्होंने बहुत मेहनत की थी, हार्डवर्क किया था, हाँ तूफान से बचाने में शिप में बहुत मेहनत लगी थी ना. आई हैव लेफ्ट अस्लीप, इनको मैंने छोता हुआ छोड़ दिया है. तो मरीनर्स और शिप एक जगह पड़ी हुई हैं. फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्लीट, और बाकी सब लोगों को जो शिप में थे, उन सबको मैंने डिस्पर्स कर दिया आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में. यहाँ ड्रिंकोलो और स्टेफेनो एक अलग आइलैंड में, एक अलग हिस्से में हैं आइलैंड के. किंग अलोंसो, स्टेफेनो नहीं, अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजेलो एक जगह है. तो अलग अलग पैचेज में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. दे ऑल हैव मेट अगेन एंड आर अपॉन द मेडिटेरियन फ्लोट बाउंड सैडली होम फॉर नेपल्स, अर्थात यह सब जो शिप्स जा रही थी, वो जो बाकी बची फ्लीट थी, याद रखिएगा तीन शिप्स का ग्रुप जा रहा है, तीन शिप्स का ग्रुप लौट रहा था नेपल्स, है ना, तीन शिप्स लौट रही थी नेपल्स, उनमें से एक शिप को ही किया गया है, बाकी दो शिप्स को क्या कर दिया गया है, मेडिटेरियन में छोड़ दिया गया है. मेडिटेरियन सी में वो फ्लोट कर रही हैं, है ना, और वो साइलेंटली क्या करते हुए, सैडली नेपल्स की तरफ बढ़ रही हैं. याद रखिएगा सिर्फ एक शिप को,
तीन में से एक शिप को क्या करा गया है, जिसमें जिसमें अलोंजो है, फर्डिनेंड था, समझ गया ना, एक ही शिप को डुबाया गया है। सपोजिंग वो लोग सोच रहे हैं दे सॉ द किंग शिप रैक, और ये जो दो शिप वाले हैं, यस शिप वन शिप टू, राजा की तीन शिप्स हैं जो लौट रही हैं। वैसे कहाँ से लौट रही हैं, राजा की बेटी, हाँ अलोंसो की बेटी की शादी हो गई है, और वह शादी करके ट्रिपोलिस से वापस अपने देश नेपल्स लौट रहा था शिप में, अपने पूरे रिश्तेदारों को, अपने मंत्रियों को साथ में लेकर के, कौन अलोंसो, और एक ही शिप डूबी है और ये दोनों शिप्स लौट रही हैं नेपल्स की तरफ, ये दोनों शिप्स नेपल्स की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। ऑल हिज ग्रेट पर्सन पेरिश, और इन लोगों को लगता है कि राजा अलोंसो डूब गए हैं, वो सब उदास हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ जाते हैं, प्रॉस्पेरो एरियल दाई चार्ज, अर्थात एरियल दाई चार्ज एग्जैक्टली इज परफॉर्म, अर्थात तुमको जो मैंने काम किया था तुमने वह काम परफेक्ट कर लिया है, बट देर इज मोर वर्क, अभी और काम बाकी है। वॉट इज द टाइम ऑफ द डे, मुझे बताओ इस समय क्या हो रहा है, तो एरियल बताएगा इस समय पास्ट द मिड सीजन चल रहा है, मिड सीजन मतलब होता है हाँ नून हो गया है दोपहर का, ठीक है। और प्रॉस्पेरो बोलता है एटलीस्ट टू ग्लासेस, क्या करना है, सिर्फ दो घंटे, ग्लासेस का मतलब होता है सैंड ग्लास, आवर ग्लास होते हैं ना जिससे पहले लोग टाइम देखते थे, द टाइम बिटवीक्स्ट सिक्स एंड नाउ, है ना, डॉस्ट अस बोथ द स्पेंट मोस्ट फ्रेशली, अर्थात अभी से लेकर के 6 बजे तक, ठीक है ना, का टाइम, अभी से लेकर के 6 बजे तक का टाइम हमें बहुत केयरफुली स्पेंड करना है, हमें बहुत सावधानी बरतनी है इन इस समय में, बहुत टाइम को केयरफुली यूज करना है, इस तरीके से प्रॉस्पेरो इनसे बात करता है। तो ये था एक्ट वन सीन टू का फर्स्ट पार्ट। हाँ एक पार्ट और में, दो पार्ट में इस पूरे एक्ट वन सीन टू को फिनिश करेंगे, क्योंकि ये सीन बहुत लॉन्ग था। और कैसा लगा आपको यहां तक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, पिक्चर्स भी मैं बीच बीच में प्रेजेंट कर रहा हूं, और मेरी एक ही कोशिश है कि मेरे रॉक स्टार्स इसको अपने सारे फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी शेयर करेंगे। सो थैंक यू एंड लव यू, थैंक यू।